कहते हैं मुंबई नगरी कभी नहीं सोती और ना ही सोते हैं मुंबई के बच्चे। रात होते ही निकल पड़ते हैं रोशनी की तलाश में, दीवारों को लांघते मैदानों के अंदर। टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट में सड़कों के किनारे मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। रेलवे ट्रैक पर अपनी जिंदगी की गाड़ी दौड़ाते मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं। घरों की छतों पर भविष्य को रोशन करते फुटपाथ, गलियों और पार्कों में रत जगे इनकी मजबूरी है। इन स्टूडेंट्स के नसीब में महंगे स्कूल, कॉलेज या कोचिंग नहीं, लेकिन हौसला स्टेशन के पिलर जितना मजबूत और जज्बा कंक्रीट की दीवार जितना ताकतवर जरूर। देश के ज्यादातर शहरों में बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने घरों में आराम से रोशनी और चार दीवारी के बीच पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके घरों में ना रोशनी है ना ही पढ़ाई करने की जगह है। देश का फाइनेंशियल कैपिटल माने जाने वाला शहर मुंबई एशिया का एक घनी आबादी वाला शहर भी है, जिसका खामियाजा मुंबई के बच्चे भुगत रहे हैं। बच्चों के पास बिना शोर शराबे से आराम से पढ़ाई करने के लिए कोई जगह नहीं है। आज हम आपको मिलवाएंगे उन बच्चों से जो स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई को मजबूरी नहीं समझते, और अगर लगन हो तो गलियां भी रोशन हो जाती हैं। कैसे, आपको दिखाते हैं। दिल्ली की पराठे वाली गली का नाम सुनकर मुंह में पानी आ जाता है। मुंबई की खाऊ गली के चर्चे भी आपने खूब सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको मुंबई की अभ्यास गली ले जाने वाले हैं। नहीं नहीं, यहाँ पर क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं बल्कि एग्जाम्स की तैयारी होती है। इसे अभ्यास गली कहा जाता है और ये नाम मुंबई की इस गली को बीएमसी, जो कि लोकल म्यूनिसिपल बॉडी है, उसने दिया है। स्टूडेंट्स की पूरी कम्युनिटी आप देख सकते हैं जो यहाँ पर आती हैं, अपनी पढ़ाई पे फोकस करती हैं। 10th और 12th के एग्जाम है तो इस तरह के नज़ारे आपको सुबह को भी देखने के लिए मिल जाएंगे और रात को भी इस तरह के नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे। मुंबई के वर्ली इलाके की अभ्यास गली, जहाँ हर रोज कई बच्चे अपने घरों से आकर घंटों पढ़ाई करते हैं। आपको सुबह से लेकर देर रात तक भी बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कुछ बच्चे बेंच पर बैठकर पढ़ाई करते हैं तो कुछ बच्चे अपने साथ चटाई लाते हैं और नीचे बैठकर पढ़ते हैं। रात के वक्त पढ़ने वाले बच्चों में अधिकतर 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, मस्ती भी होती है, पढ़ाई भी होती है, थोड़ा टाइम पास होता है, थोड़ा सीरियसनेस होता है, तो यहाँ पे एक तरह का नेचर के साथ भी होता है कि नेचर भी बोलता है कि पढ़ो, तो वो हमको यहाँ पे अच्छा लगता है यहाँ पे आके पढ़ने के लिए। उसी वजह से ऐसे मेरे अंकल भी इधर पढ़ते थे तो वो भी बोलते हैं कि इधर शांति भी रहती है और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होती है। दरअसल जो मुंबई में वर्ली इलाके में जो घर हैं, कई ऐसे घर हैं जो काफ़ी छोटे हैं, जिनमें परिवारों में सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे बच्चे पढ़ाई जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं या नॉर्मल एग्ज़ाम्स जब होते हैं तो पढ़ाई पे इतने सारे सदस्यों का एक छोटे से घर में रहकर फोकस कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि बच्चे अपने घरों से बाहर आकर ये इस तरह से सड़कों पर बैठ कर एक तरह की कम्युनिटी बनाकर, स्टूडेंट्स की पूरी कम्युनिटी आप देख सकते हैं जो यहाँ पर आती हैं, अपनी पढ़ाई पे फोकस करती हैं। अब तो बीएमसी ने ऑफिशियली इस सड़क का नाम अभ्यास गली रख दिया है। यहाँ पीले रंग की स्ट्रीट लाइट के अलावा सफेद रंग की लाइट भी लगाई गई है ताकि बच्चे आराम से अच्छी रोशनी में पढ़ाई कर सकें। स्ट्रीट लाइट में पढ़ने वाले इन बच्चों की आँखों के लिए ये रोशनी एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे क्या माहौल एकदम फ्री है कि साइलेंट जोन है कि आप घर पे, आप मुंबई जैसे एरिया में आपके घर में 8 से 10 लोग तो नॉर्मली रहते ही, उन माहौल के अंदर तो आप पढ़ नहीं सकते, तो इसके लिए गली में बच्चे आके पढ़ते ताकि शांति से पढ़ सके। यहाँ पर सब दोस्त हैं, कोई भी सवाल अगर समझ में नहीं आता तो एक दूसरे की मदद ले लेते हैं। ज्यादातर बच्चों के घर का साइज छोटा है और परिवार बड़ा, अभ्यास गली में वो पढ़ाई पर पूरा फोकस कर पाते हैं। इस गली में ट्रैफिक कम से कम रखा गया है, इस गली में स्टूडेंट्स की कम्युनिटी भी बन चुकी है,
सवा करोड़ लोगों के शहर मुंबई में ऐसी अभ्यास गली की जरूरत कई बच्चों को है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।